बेगूसराय के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी पैथोलॉजिस्ट एवं लैब टेक्नीशियन 7 दिनों के लिए हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसके कारण मरीज परेशान हो गए हैं। बता दें कि बिहार मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ईमाल्टा काउंसिल नहीं मिलाने के कारण सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सभी टेक्नोलॉजिस्ट एवं पैथोलॉजी लैब 7 दिनों के लिए लंबे हड़ताल पर चले गए। ईमाल्टा के उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि वह और उनके सभी साथी लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो विभिन्न में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमारा शोषण करने के लिए हमें सरकारी अस्पतालों में कार्य करने पर वैध एवं गैर सरकारी में या कहीं बाहर की ही जांच करने पर हमें अवैध घोषित कर देती है, जो सरकार की दोहरी नीति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के राजपत्र के हिसाब से हम लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सीबीसी भी जांच करते हैं, जो पूरा मशीन का काम है, और उस काम को इस गवर्नमेंट ने कहता है कि अवैध है। हम लोग का शोषण करना चाहता है, हम लोग को भयभीत करना चाहता है, हमको डराना चाहता है, लेकिन हम नहीं डरेंगे, अपना हाथ लेके रहेंगे। जो राजपत्र है भारत सरकार का, उसके हिसाब से हमको अधिकार दे। इसी के मांग के तहत गैर सरकारी और सरकारी जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट है ईमाल्टा बिहार के कहने पर उसके अंदर 6 तारीख से 13 तारीख तक हड़ताल पर